पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अब हर सियासी दल ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस की पहली सूची के बाद आज समाजवादी पार्टी ने भी सूबे से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने बाकी जगह से भी कार्यकर्ताओं से तेजी से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राणा गोस्वामी महानगर पहुँचे और दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से संगठन और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की। वहीं सूबे में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल छोटी पार्टियों से बातचीत जारी है, जल्द अगले एक दो दिन में मुरादाबाद से भी प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। मिलना मुश्किल है, संभव नहीं, इसलिए ग्रुप हिसाब से मिलेंगे, लेकिन दो चार पाँच जो वरिष्ठ लोग रहे पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष है, ये लोग को मैं दो चार दस जो सीनियर आदमी है उन लोग से आप लोग बात करूंगा, दो दो मिनट तीन तीन मिनट कैसा कैंडिडेट देने से कौन कैंडिडेट को जानकारी मुझे देना है, और वही बात को ले जाके आज शाम को ही हम जगह में पहुंचा देंगे, उन लोग निर्णय करेंगे। काम करने के लिए दोबारा मैं वादा करता हूं, धन्यवाद। तो चल भैया, बड़ा बड़ा आइए। अरे बैठे जी। राणा गोस्वामी ने कहा सपा बसपा से गठबंधन पर फैसला पार्टी हाई कमान को लेना है, फिलहाल अभी तक ऐसी कोई बात नहीं बनी है। कांग्रेस सूबे में 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हर सीटों पर जल्द उम्मीदवार का ऐलान होगा। उन्होंने मुरादाबाद सीट पर रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी पर कहा कि यह तय कार्यकर्ता करेंगे, इसलिए पार्टी नेतृत्व में उन्हें ये फीडबैक लेना भेजा है। किसी को भी उम्मीदवार बनाए जाने से पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तुमका समर्थन करता हूँ, लिख के दे देता है, एग्रीमेंट रहता है पार्टी से, जो पैसा मिलेगा उसके बाद 2 लाख रुपया खर्चा करेगा, बाकी पैसा घर में लेके यहाँ से भाग जाएगा। सिर्फ पैसा का लालच में चुनाव का टिकट मांगता है, ऐसा भी कुछ नेता है शायद वो प्रदेश में हो, शायद दूसरा जगह जिला कांग्रेस में हो, पूर्वांचल में ऐसा कुछ बड़ा नेता है जिसको इस नियत के लिए राहुल जी के सामने मैं सभी बर्बाद करके आया हूँ। उन लोगों बात अंदर का बात क्या है मैं राहुल जी को सब बता बता के उन लोगों क्या करता है। कोई कैंडिडेट मिल गया छापा का, ऐसे नेता भी हमारे पास है, उस नेता को पहले हम शिनाख्त करना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल साफ है। मुझे उत्तर प्रदेश से हटा भी देगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं गुवाहाटी इतना दूर से आया हूँ, कांग्रेस का जमीन ठीक करने के आया हूँ, मिलकर काम करूंगा। मैं पहले बोल चुका मैं 2 वाक्य से किसी को नहीं देखूंगा, सबको सम्मान करूंगा, नौजवानों को प्यार करूंगा, वरिष्ठ लोगों को मैं सम्मान करूंगा, और कार्यकर्ता अगर वरिष्ठ लोगों ने मुझे कोई गलती हो गया सब सब मुझे अगर बता देते जिस राणा जी आपका गलती हुआ वो भी मैं मानता हूं, लेकिन कांग्रेस के लिए सही से काम करना होगा, क्योंकि सबका मकसद एक ही होना है, संगठन को मजबूत करना है। 30 साल में हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, कार्यकर्ता मर मर के जिंदा है, कितना दिन मर मर के जिंदा रहेगा, 5 साल मेहनत करके सरकार लाना है, गरीबों को काम करना है, किसानों को काम करना है, सब सबका लिए काम करना है, क्योंकि आज बहुत कुछ है देखा हूं नजर से, कांग्रेस कार्यकर्ता काम करता है, किसी को जिताता है, जीतने के बाद में हमारा नेता क्या करता है मैं आज खुल्ला खुल्ला बात यहां नहीं करना चाहता, इसीलिए जब से राहुल जी हमारा कमान संभाला है एक एक चीज को राहुल जी ने देखा है, एक एक चीज को उन्होंने समझा है, आज इसीलिए प्रियंका जी जैसे नेता सिंधिया जी को जैसे नेता को यहां उत्तर प्रदेश में लाया है, देश का आज राहुल जी को एक नया रूप देने के लिए राहुल जी ने मन बना लिया है, इसीलिए अकेले आज मोदी जैसा लोगों का फ्रंट प्रधानमंत्री जैसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री का विरुद्ध में राहुल जी जैसे नेता ने दिन रात लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं।
आने वाला दिनों में आप लोगों से भी भाषण सुनेंगे, संगठन का बारे में भी सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे वरिष्ठ तो काफी लोग है, हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग है, क्योंकि उन लोगों से मैं आशीर्वाद लेना, दुआ लेना जरूरत है, इसीलिए बाद में हम लोग दोबारा जब आएंगे। यहां बता दें कि कांग्रेस सीट पर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ना चाहती है, क्योंकि मौजूदा समीकरण और पिछले आंकड़े उसके साथ हैं, लिहाजा यहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार जल्द उतार सकती है। इसमें रॉबर्ट वाड्रा के साथ ही पार्टी प्रवक्ता मीम अफजल, राज बब्बर और शायर इमरान प्रतापगढ़ी की चर्चा है, लेकिन स्थानीय नेता किसी लोक दल को ही उम्मीदवार बनाने के मूड में है। उसमें एक पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह का नाम भी चल रहा है, जिस पर हाईकमान को मोहर लगानी है। और किस मकसद से आज मुरादाबाद आगमन हुआ? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे सेक्रेटरी का रूप से जन नया जिम्मेवारी हमारे ऊपर सौंपा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। उससे पहले दूसरा मेरा कोई दोस्त यहाँ था, और अभी मेरा राहुल गांधी जी ने मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी सचिव रूप से प्रभारी बनाया है। मुझे फर्ज बनता है यहाँ आने के लिए, हमारे कांग्रेस परिवार जनों को मिलने के लिए। आज पहले बार है जी, मैं पहले बार आया हूँ, पहले आके मेरे सारा कांग्रेस परिवार को, नेता को मिल रहा हूँ, और आगे आगे सामने चुनाव है, 19 का मिशन है, वो मिशन में कामयाब लाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं से छोला मशुरा करूंगा, विचार करूंगा किसको कैंडिडेट बनाने से यहाँ हमारा मुरादाबाद सीट को जीत सकते हैं, राहुल जी को हाथ मजबूत कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं, साथ साथ में संगठन के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन संगठन के बारे में दोबारा जब आएंगे लगातार आते रहेंगे, उसके लिए हम लोग संगठन का मजबूती बनाने के लिए भी काम करेंगे। लेकिन अभी हमारा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, सामने है, इसीलिए चुनाव के लिए यहाँ काम करने के लिए आज हम लोग बातचीत करने के लिए आया। कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी, इसमें गठबंधन की गुंजाइश बनती है या नहीं बनती? देखिए, गठबंधन का अभी तक कोई तैयारियाँ नहीं है, कोई बातचीत ऐसा फाइनल नहीं है। एक दो छोटा पार्टी से हो सकता है, लेकिन बड़ा पार्टी से अभी तक कोई फाइनल नहीं है। समाजवादी या बसपा से बात चल रही है? अभी देखिए, अभी तक कोई फाइनल नहीं है। क्यों, बातचीत हो रही है या नहीं? अभी तक कोई तो अखबार में है, हमारे साथ डायरेक्टली कोई बातचीत नहीं है, डायरेक्ट बातचीत कोई अभी तक नहीं है। क्योंकि हम एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मुरादाबाद सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे, मुरादाबाद सिंह कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे। मैं कहता हूँ जी, 80 लोकसभा हम लोग लड़ेंगे, उसमें मुरादाबाद में अभी मैं मुरादाबाद धरती पे हूँ, इसलिए मैं मुरादाबाद का क्लियर कर रहा हूँ। नहीं तो माने कि अभी भी गठबंधन की उम्मीद है? देखिए, अभी कांग्रेस अपना अपना ताकत से लड़ेंगे, अपना ताकत अपना विचार से कांग्रेस लड़ेंगे, और कांग्रेस का पास ताकत आ गया है। प्रियंका जी जब और सिंधिया जी जब कमान संभाला है, उसके बाद कार्यकर्ता को भी काफ़ी जोश है, नया नया पीढ़ी हमारे साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए हमारा स्थिति मजबूत है। जैसे 2009 में हमारा 21 सीट जीता था, उससे भी ज़्यादा जीत के हम लोग दिखाएंगे इस बार, और आने वाला दिनों में कांग्रेस का पल्ला भारी होगा। दूसरी सूची आपको लगातार दो तीन दिन में दूसरा सूची निकल जाएंगे। यहाँ से मुरादाबाद भी निकल रहे हैं, मैं यहाँ से जाने के बाद हाईकमान को रिपोर्ट छपूंगा, तुरंत मुरादाबाद का कैंडिडेट का लिस्ट जारी हो रहा है। क्या मुरादाबाद में कोई बाहरी प्रत्याशी की उम्मीद जताई जाए? देखिए, अंदर हो बाहर हो, जो जितना वाला प्रत्याशी होगा, जो कार्यकर्ता स्वीकार करे। रॉबर्ट वाड्रा का नाम मुरादाबाद से, समय में सब आपको पता लग जाएगा। कार्यकर्ता को देखिए, कार्यकर्ता जो कहेगा वही होगा, क्योंकि कार्यकर्ता हमारा बैंक बैलेंस है, कार्यकर्ता हमारा सब कुछ है, इसीलिए राहुल जी ने भेजा है। अगर कोई अपना आदमी लड़ता तो इसको सर्वे करने के लिए नहीं भेजता, प्रियंका जी सिंधिया जी नहीं भेजता। आज मुरादाबाद क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है किसको देने से ठीक रहेगा, कार्यकर्ता से जाके बात करो प्रियंका जी की, क्योंकि राहुल जी मानता है कि कार्यकर्ता ही अभी सब है, कार्यकर्ता उसका लिए सब है। कार्यकर्ता अगर नहीं रहेगा तो राहुल जी कैसे रहे? राहुल जी का कैपिटल है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को सम्मान करता है, इसी सम्मान के लिए मुरादाबाद मैंने आया। नहीं, मुरादाबाद पे ज्यादा फोकस कांग्रेस का है, क्या कहें रॉबर्ट वाड्रा के लिए इस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं कुछ? मैं कहता हूं ना, जो भी होगा आपको दो दिन में पता चल जाएगा, दो तीन दिन में, और मुरादाबाद का सीट कांग्रेस पार्टी जीत रहा है, और आने वाला दिनों में आप लोग
कांग्रेस पार्टी का आउट सीट देखेंगे जहाँ जहाँ लड़ेंगे। इस मंडल में 6 सीटें हैं, मतलब सभी पर कांग्रेस लगभग सभी में रहेंगे, लगभग मैं कह रहा हूँ ना सब में रहेगा। मैं कह रहा हूँ छोटा बड़ा पार्टी एक दूसरे हो सके, छोटा छोटा पार्टी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बात देखिए कोई पार्टी हो रहा है मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन अगर पार्टी करेंगे तो अभी तक कोई फैसला नहीं है। छोटा पार्टी कोई एक दो का सर हो सकता, सपा बसपा से नहीं है अभी तक कोई नहीं है। अगर करेगा तो हाईकमान करेगा, लेकिन अभी तक हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया। अच्छा, बीजेपी आने वाला चुनाव 2019 में क्या स्थिति माने किससे सामना रहेगा? देखिए जहाँ पे हिंदी भाषी है, जहाँ पे साउथ इंडियन है, वहाँ पे बीजेपी नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया है, जहाँ में हिंदू बंगाली लोग है, बंगाली जो बंगाली भाषा बोलता है, उसको टारगेट करने के लिए ही हिंदू जो सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट बिल लाया था, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने पास कर नहीं सका कांग्रेस का और विरोधी पार्टी का सामने, इसलिए लाया था। उसको मालूम है जब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में उसका पार्टी का कैंडिडेट घटने जा रहा है, इसीलिए उसको बंगाल को टारगेट किया, उन्होंने त्रिपुरा को टारगेट किया, उन्होंने उड़ीसा का कुछ लोग सीट टारगेट कर रहा है, लेकिन वो कामयाब कभी नहीं होगा। मोदी जी जिस हिसाब से राजनीति कर रहा है, आज पाकिस्तान को लेकर उन्होंने राजनीति किया, उन्होंने हमारा जो शहीद हो गया 40 हमारा नौजवान उसका बीजेपी पार्टी ने उसको लेके पॉलिटिक्स करने के शुरू किया, उसको बस निंदनीय है। कोई पार्टी हमारा जवान को सैल्यूट करना चाहिए, हमारा उसको जो हमारा त्याग है उसको सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन उसको लेके पॉलिटिक्स कोई पार्टी नहीं करना चाहिए। आज जवान को लेके, आज पाकिस्तान को लेके पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूँ आज कोई देखने के मिल चुका हूँ, कोई कहीं कहीं जगह में उन्होंने पोस्टर लगा चुका है, जो इस अगली बार 400 क्या लगा रहा था, 400 बार ने क्या लगा रहा था, 400 पार। तो देखिए ये सब करके मेरा उत्तर प्रदेश में कितना शहीद जवान आज ये हो गया, शहीद जवान शहीद हो गया। मेरा असम में भी उस कांड में CRPF जवान शहीद हो गया, उसको लेके पॉलिटिक्स करना कभी माफ नहीं करेंगे। हमारा हिंदुस्तान का जनता भी उसको माफ नहीं करेंगे। आने वाला दिनों में नरेंद्र मोदी जी को सरकार को सबूत सिखाएंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो क्या करना चाहिए, क्या करती कांग्रेस? कांग्रेस तो कार्रवाई किया है, कितना किया है। आज मनमोहन सिंह का सरकार का 10 सालों में जितना जवान शहीद हुआ है, उससे 10 गुना शहीद हुआ है नरेंद्र मोदी का 4 साल में, उसको जवाब कौन देगा? आज किस हिसाब से आज एक उन्होंने कहा प्रसार माध्यम में आया, मीडिया में आया, जो 200 kg RDX लेके गाड़ी में लेके गया, 200 kg RDX कैसे आया, उसके लिए सुरंग हुआ, उसके लिए इंटेलिजेंस फेल हुआ, उसके लिए जिम्मेवारी कौन है? उसके लिए सरसा क्यों नहीं है? कांग्रेस की जनसभा अहमदाबाद में हुई, एक भरे मंच से बोला गया पाकिस्तान का भी प्रत्याशी अगर आए तो उसके लिए भी वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे उसको? देखिए मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान को लेके वो लोग पॉलिटिक्स करता है, अब यही नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में जाके केक काटता है, पुलाव खाता है, बिरयानी खाता है। नहीं, आप ही के मंच की अगर नहीं बात, कांग्रेस डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी तो लिया 1971 में तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश टुकड़ा किया जी, पाकिस्तान को साथ लड़ाई करके 2071 में तो बांग्लादेश बनाया। कांग्रेस के मंच सबूत सिखाया, कई बार सबूत कांग्रेस के मंच से पाकिस्तान के प्रत्याशी के लिए मांगे गए, राज बब्बर जी उसमें मौजूद थे, क्या कहेंगे? क्या कहा? कांग्रेस की जनसभा जाए तो मेरा बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता तो छोड़िए, कोई कार्यकर्ता भी ऐसा बात बोल नहीं सकता, ये मैं कभी नहीं मानता। लेकिन उनका समर्थक, उनके समर्थन में समर्थन सवाल नहीं है, पाकिस्तान राज बब्बर जी देखिए, हिंदुस्तान ऐसे है, कांग्रेस ऐसा एक पार्टी है, आज हिंदुस्तान को बसा कर रखा है तो कांग्रेस पार्टी ने बसा कर रखा है, कांग्रेस पार्टी ने उसको खड़ा किया है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी सरकार आके पाकिस्तान को लेके, बांग्लादेश को लेके पॉलिटिक्स करता है। कांग्रेस पार्टी इससे लेके कभी पॉलिटिक्स नहीं करेगा, हिंदुस्तानियों के लिए काम करता है, हिंदुस्तानियों के लिए काम करेगा। नहीं, महान दल जैसा गठबंधन, उसमें उनसे गठबंधन की बात की जा रही थी और लगातार
बार उनसे बात की जा रही थी, क्या कहें, क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या क्या ऐसा होना चाहिए था? महान दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा राज बब्बर जी की मौजूदगी में वहां पर पाकिस्तान के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। महान दल हमारा दल नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा जी का नेतृत्व में, नेहरू का नेतृत्व में, हमारा इंदिरा जी के नेतृत्व में चलने वाला पार्टी है, राहुल जी का नेतृत्व में चल रहा है कांग्रेस पार्टी। ऐसे कभी बोल नहीं सकता ना।